Dear students, welcomes you once again in my YouTube channel Chemistry Line by JSR. So you know very well about the name of channel Chemistry Line by JSR. इस चैनल में आप लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, और मैं हूं जितेंद्र सिंह जो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं यहां पर. मुझे पढ़ाने का शौक़ है, इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को ये केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों को तैयार करके देता हूं. ठीक है, तो यहां पर अभी कोई इसका कोई चार्ज नहीं है, सभी मुफ्त में मिल रहा है आप लोगों को. मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास एलेवंथ के लिए अपनी ये वीडियो लेकर के आए हैं. यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए इससे पहले की जो वीडियो क्लास एलेवंथ के लिए तैयार की थी हमने, वो थी हमारी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. तो अब यहाँ पर आज हम इसके लिए लेकर के आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब देखिए ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है. एक्चुअल में जब फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तब तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम. और जब केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है केमिकल प्रोसेस में तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. यानी क्या मतलब हुआ कि व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड इन केमिकल प्रोसेसेस नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल में जाने से पहले हम दो चीज़ें और सीख लें. एक तो ये कि रिएक्शन दो तरह की होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस. क्या होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस? क्या होती हैं? जो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होती हैं. ठीक है, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हों. तो यहाँ पर हम समझ लें इसको ऐसे करके, प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली. तो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम जिंक मेटल लें सॉलिड फॉर्म में और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन इसकी कराएं, तो यहाँ पर ZnCl2 फॉर्म होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में और H2 गैस निकलती है. या फिर आपने देखा होगा सोडियम मेटल, ठीक है, ये भी सॉलिड ही होता है, इसकी रिएक्शन हम करा दें वाटर के साथ में, यानी वाटर में आप डाल दीजिए सोडियम मेटल को, तो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फायर कॉजिंग के लिए. कब? जब सोडियम मेटल को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो जो आग लगती है वो हाइड्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से लगती है, वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है. ये तो हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन. दूसरी हमारी आती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होती हैं, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स इन बोथ. बोथ कौन कौन सी? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में. और ये जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती, ये जो रिएक्शन है ना ये क्या होती हैं, गो ऑन कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाती हैं.
लेकिन ये वाली रिएक्शंस ये नेवर नेवर गो टू कंप्लीशन, यानी ये कभी कंप्लीट नहीं होंगी। अब इसके लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक हम इस तरह से डबल हेडेड एरो इनकी पहचान के लिए लगाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। ये क्यों बताई गई हैं? इसलिए बताई गई हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन ही ज़रूरी है, और केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, तो उसके लिए एक और बात भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड कंटेनर का होना ज़रूरी है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस होती क्या हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक रिएक्शन जो है वो ए से बी के साथ रिएक्ट करके और बनाती है सी और डी, ठीक है, और ये सपोज रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के लिए आपने ऐसे करके साइन ये ले लिए। अब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। वहीं पर इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी ना, बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या होगी? सी प्लस डी गिव्स यू ए प्लस बी। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। एक बात और कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी नेचर कैसी होती है, डायनामिक होती है, वो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। अब देखिए, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर हम बात करें तो अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेसेस में जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी बताऊँगा, साथ में एक स्टेट भी बताऊँगा। जैसे मैंने अभी ये इक्वेशन बताई आपको, इस इक्वेशन में ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, यानी कि ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, और ये हो गए अभी यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझें इस बात को। देखिए, ये ग्राफ लिया हमने, यहाँ पर हमने ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर हमने ले लिया टाइम। शुरुआत में हमारे पास केवल रिएक्टेंट थे, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट थे तो रिएक्टेंट क्या बनाना, क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो यहाँ पर, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हो गई हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट उस समय थे नहीं, तो अब प्रोडक्ट बनना शुरू हुए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू होगी। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे तो वो फिर से ए और बी में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की यहाँ पर क्या है, इक्वल हो जाएंगी, और वही कंडीशन आपकी कह जाएगी इक्विलिब्रियम, क्या स्टेट हो जाएगी? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कैसे करके लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स
रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम की डायनेमिक नेचर को समझें। तो डायनेमिक नेचर क्या है, यहाँ पर डायनेमिक नेचर ऐसे समझें कि ए और बी से सी और डी हमेशा बनते रहेंगे, और जब सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो टूट करके ए और बी बनाते रहेंगे, यानी रिएक्शन ना तो ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप होगी और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप होगी। हमें देखने में तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी अब रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। होता क्या है कि जो रेट है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, दोनों ही इक्वल हो जाती हैं, और दोनों के इक्वल होने की कंडीशन को ही हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिएक्शन नेवर स्टॉप्स, रिएक्शंस नेवर स्टॉप्स बट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट सेम रेट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आज आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए मास एक्शन में आप यहाँ पर देखिए समझ लीजिए कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है, और उससे पहले एक टर्म और समझ लें, एक टर्म आती है इसमें एक्टिव मास। एक्टिव मास यानी कि जो रिएक्टेंट हमें मिला है उसमें से कितना सब्सटेंस एक्टिव है रिएक्ट करने के लिए, और एक्टिव मास को दो टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन टर्म, और यहाँ पर एक पार्शियल प्रेशर टर्म की फॉर्म में प्रेशर टर्म। तो देखिए मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में जब भी आप किसी सब्सटेंस के एक्टिव मास को एक्सप्रेस करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लेकर के एक्सप्रेस करेंगे, और पार्शियल प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो पी, और जिसका भी एक्सप्रेस करना है तो उसको आप पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में लेकर के या सिंपली आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास को एक्सप्रेस करने की दो टर्म है, जिनमें से ये जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। एक्चुअली एक्टिव मास को अगर हम कहें तो होता क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पर वो क्या होता है, देखिए द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब ये दो एक्टिव मास टर्म हैं, इनके बिहाफ पर आगे हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को सीख लें। ये किसने दिया था लॉ वो भी समझ लें। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वॉग। गोल्डबर्ग एंड वॉग ने दिया था, कब दिया था, 1864 में दिया था। डेट की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, एक्टिव मासेस, यहाँ पर हम एक्टिव मास नहीं एक्टिव मासेस लेंगे, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ईच एक्टिव मास्टर, एंड ईच एक्टिव मास टर्म टर्म रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू, इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ दैट दैट स्पीसीज इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम कैसे समझें, और अच्छे से कैसे समझें, देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें एक यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, एग्जांपल की है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर ले लिया ए और बी रिएक्ट एंड फॉर्म सी, ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सी क्या है हमारा प्रोडक्ट है, और ए और बी यहाँ पर क्या हैं रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर अगर सिंगल होता तो आप सिंगल ले लेते, वैसे दो हैं तो दो का प्रोडक्ट लेंगे हम, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे हम लिख लेते हैं आर, और जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हमने इक्वल में चेंज कर लिया, कैसे कि एक कांस्टेंट लेकर के ए इंटू बी, जहाँ पर आप देखो जहाँ के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आर हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन के लिए हो गया। अगर कोई ऐसी रिएक्शन आपको दी हो जिसमें आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी दे रखे हों, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, कैसे करके बताओगे। तो यहाँ जैसे आपको दे दिया ए ए प्लस एक और रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं गिव्स यू प्रोडक्ट, ये एक और एग्जांपल लिया जिसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या हैं, ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं ये क्या हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट हैं किसके, ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लगाएं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, जैसा मैंने अभी यहाँ पर थ्योरी में बताया है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, या फिर आप लिख सकते हो इसको और आर इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ये आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है सिंपल है, जिसमें आपने देखा दिया किसने, गुलबर्ग और बॉग ने दिया था, इसका स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू
द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट स्पीसीज इन द केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हमने दो एग्जांपल ले लिए, एक तो ये लिया एग्जांपल, एक ये लिया। दोनों एग्जांपल्स में अलग अलग तरह से रिएक्शंस को एक्सप्रेस किया गया है। तो दोनों में आपको एक में देखिए ये रेट हमारी ये निकल के आई जिसमें कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 दे रखे हैं, और दूसरा जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपके ए और बी दे रखे हैं उसमें हमारी रेट निकल के आई रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ठीक है, इस तरह से ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर कर ले। तो क्या रिएक्शन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वो देखिए, लॉ ऑफ मास है। ये एक चीज़ और भी है कि ये जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। वो क्या है जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए ये हमारा ए ए प्लस बी बी रिवर्सिबल साइन गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, जहाँ पर देखिए जो स्मॉल लेटर्स हैं वो क्या हैं, वेयर ए बी सी एंड डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। क्या है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं किसके, ए बी सी और डी के। अब देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करें इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम करते हैं किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी और गिव्स यू सिंगल एरो लगेगा गिव्स यू सी सी प्लस डी डी। देखिए ये सिंगल हेडेड एरो ये शो कर रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जिसमें ए एंड बी गिव्स यू सी प्लस डी। अब यहाँ पर अगर आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इनटू बी रेज टू पावर बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर के एफ क्या है, वेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हो गया। अब देखिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमारी बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इसी में से हमें यहाँ पर इस रिएक्शन में से बैकवर्ड रिएक्शन फाइंड करनी है, वो हो जाएगी हमारी
स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी गिव्स यू स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, अब यहाँ लगा दीजिए। इसी की तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं आर बी। आर बी इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी। ठीक है, ये या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन हमने फॉलो की, ये देखिए जो इक्वेशन हमने फॉलो की है उस इक्वेशन में भी एक कांस्टेंट आया है के बी। के बी क्या है? ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब देखिए जब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मिल गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी हमें रेट कांस्टेंट मिल गया। अब एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे पीछे आपने स्टडी की थी, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और यू कैन से और वी कैन राइट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो इक्वल होती है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि आर एफ जो है वो इक्वल है किसके? आर बी के। ठीक है, और आर एफ और आर बी की वैल्यू इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में से आप यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। तो ये हो जाएगा आर एफ की वैल्यू है यहाँ पर के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज के एफ अपॉन के बी, यानी इस के बी को इधर ले आए और इसे इधर ले गए। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया कंसनट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी कंसनट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए के एफ एक कांस्टेंट है, के बी भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह यहाँ पर हमने ले लिया एक नया कांस्टेंट। पहले तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट लेते हैं के, के यहाँ पर हो गया हमारा न्यू कांस्टेंट, और इस न्यू कांस्टेंट को हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू पावर ए और बी रेज टू पावर बी के इक्वल। ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ पर इसको के सी भी लिख सकते हैं, के सी। ठीक है, तो जनरली हमने इसको एक कांस्टेंट ले लिया और ये कांस्टेंट हमारा निकल के आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा वेयर के इज अ न्यू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दे दिया। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में आपकी एक इक्वेशन और बनी, इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर को ही हम यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, किसके लिए? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें? इक्वेशन फोर इज द मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ से हम इसका स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कैसे लिखेंगे वो देखिए, दस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और यही क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये के की टर्म में दिया जाता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ तो हमने एक जनरली बता दिया, हालांकि वो भी एक तरह का एक्सप्रेशन था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, टू वेज कौन कौन सा, एक होता है फर्स्ट होता है आपका इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है केसी। अगर उसी इक्वेशन में भी जो पीछे हमने इक्वेशन दी है, जैसे इक्वेशन हमारी क्या थी, देखिए ए ए प्लस बी बी रिवर्सिबल साइन सी सी प्लस डी डी, तो इसके लिए हम जब केस के देंगे तो के सी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। एक तो ये होता है, दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म में, ये जो पार्शियल प्रेशर है इसकी टर्म में हम कैसे करके एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये हो जाएगा हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर देखिए ये हो जाएगा के पी, के पी इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स लेने लेने इसी पैटर्न में है, पी सी, पी सी रेज टू पावर सी पी डी रेज टू पावर डी अपॉन पी ए रेज टू पावर ए एंड पी बी रेज टू पावर बी। ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में हो गया, ये हमारे पास के पी और के सी जैसे वर्ड्स यहाँ पर
हमें नए टर्म्स सीखने को यहाँ मिल गए। ठीक है, अब देखिए जो केसी और केपी है इनका आगे बहुत एप्लीकेशन है। अब इसको हम एक रिएक्शन के लिए भी इसको एक्सप्रेस करना सीख लें। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए हमने ले लिया, एग्जांपल हम दोनों के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, ले लिया N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, रिवर्सिबल साइन 2NH3 गैसियस। इसके लिए हमें पहले केसी लिखना है, केसी। तो केसी कैसे लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी के लिए अगर हमें केपी का एक्सप्रेशन देना हो तो कैसे देंगे, देखिए केपी आप कैसे दोगे, आप लिखोगे यहाँ PNH3 स्क्वायर अपॉन PN2 इंटू PH2 होल क्यूब। ये केसी और केपी इस तरह से आप इसमें किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। एक रिएक्शन और ले लो जिसके लिए आपको केपी और केसी लिखना हो, तो मतलब जिससे आप लोग आसानी से इसको और अच्छे से क्या है सीख सको। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे PCl5 का एग्जांपल ले लिया, PCl5 गिव्स यू रिवर्सिबल साइन PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले केसी, केसी क्या हो जाएगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये तो केसी हो गया। अब हमें केपी लिखना हो तो यहाँ पर केपी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे PPCl3 इंटू PPCl2 अपॉन PPCl5। ये इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। दो एग्जांपल मैंने आपके सामने बता दिए, एक एग्जांपल ये हो गया हमारा, एक एग्जांपल ये हो गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो के है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ एक और टर्म बनती है, उस टर्म का नाम है कंसंट्रेशन क्वेशेंट। ठीक है, अब टर्म आती है आपकी कंसंट्रेशन क्वेशेंट। ये कंसंट्रेशन क्वेशेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए टर्म है हमारी कंसंट्रेशन क्वेशेंट, कंसंट्रेशन क्वेशेंट। इसको एक्सप्रेस किया जाता है किससे, क्यू से एक्सप्रेस करते हैं, किससे, क्यू से। तो ये कंसंट्रेशन क्वेशेंट क्या होता है, देखिए द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। मैं समझा दूँ आपको डेफिनीशन यहाँ पर, चलिए डेफिनीशन पहले लिख लेते हैं। डेफिनीशन क्या होती है इसमें, इट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन
क्वेश्चेंट। अब ये जो कंसंट्रेशन क्वेश्चेंट टर्म है लिखा हमने क्यू, लेकिन इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी आई जैसे के की या केसी की है। तो यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है कि जो कंसंट्रेशन क्वेश्चेंट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब तो ये क्यू जो है वो केसी या केपी के इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा किसी कंडीशन पर अगर हम रेशियो देते हैं, किसका रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तब यहाँ पर हमारी जो टर्म आएगी वो आएगी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही रिएक्शन हमने यहाँ ले ली जो अभी पीछे कंसीडर की थी, लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पर आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम जब होगा तब तो हमारा के आएगा, और इक्विलिब्रियम के अलावा दूसरी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम कंसंट्रेशंस का रेशियो लेते हैं तो वो होता है हमारा कंसंट्रेशन क्वेशेंट। तो जैसे इसके लिए हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अलावा हमने ले लिया अगर ए ए प्लस बी बी है, और यहाँ पर ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन तो है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, तो सी सी प्लस डी डी, उस समय आपको क्या करना है एक्सप्रेशन देना है कंसंट्रेशन क्वेशेंट के लिए। वो कैसे देंगे, आप लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए इंटू बी रेस टू पावर बी। ठीक है, ये आप देखिए अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जो Q है वो Q K के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्यू सी लिखा, ये तो वैसे तो हमारा लिखा हुआ क्यू सी ही है, तो अगर मैं इसको क्यू सी लिखूँगा ना तो यहाँ पर दैट इज़ क्यू सी अगर आपने दिया है तो वो किसके इक्वल हो गया, के सी के इक्वल। कैसे, देखिए इसी को यहाँ पर हम समझा देते हैं। अगर हमने इसको क्यू सी लिख दिया तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास, या इसको नहीं अलग लिखते हैं नई लाइन में नई तरीके से, हमने लिखा यहाँ क्यू सी, तो क्यू सी हमारा इसी इक्वेशन के लिए सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए बी रेस टू पावर बी। अब हमने कह दिया है इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर ये जो टर्म है वो क्यू सी के बराबर और क्यू सी जो है वो के सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम क्यू पी लिखें यहाँ पर, क्या लिखें क्यू पी, तो क्यू पी हमारा लिखा जाएगा यहाँ पर पी सी रेस टू पावर सी पी डी रेस टू पावर डी अपॉन पी ए रेस टू पावर ए पी बी रेस टू पावर बी। अब मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम है तो जो क्यू पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या दें, पॉइंट बना देता हूँ आपको मैं। देखिए क्या यहाँ पर आपका कंक्लूजन निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा वो देखिए, कंक्लूजन में ये निकलेगा कि अगर Q जो है वो K के इक्वल हो जाएगा तब कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर Q जो है वो हमारा स्मॉल है, किससे K से, अगर Q स्मॉल है K से तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर तो नहीं होगी, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे नो इक्विलिब्रियम। ठीक है, और नो इक्विलिब्रियम के साथ साथ यहाँ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो क्यू की वैल्यू है वो के इक्वल हो,
तो यहाँ पर ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो बनेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक आता है, क्यू इज लेस देन, वो क्यू इज ग्रेटर देन के। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि नो इक्विलिब्रियम होगा, नो इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पर के से ज़्यादा है। तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन टू द ग्रेटर एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। इस तरह से ही हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन क्वेशेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम कंसंट्रेशन क्वेशेंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही बिल्कुल अपीयर होता है, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। तो इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो केसी और क्यूसी पर ही बेस्ड होते हैं। कंसंट्रेशन क्वेशेंट इसको एक्सप्रेस करते हैं क्यू से। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन क्वेशेंट, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर की, ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी। तो इसको हमने एक्सप्रेस किया कैसे, क्यू से एक्सप्रेस किया। क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम के अलावा कोई सी भी कंडीशन यहाँ पर, यानी कि आप ये मान लीजिए कि नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नो इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम आ जाए तो क्यू का क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पर जो क्यू है वो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। जैसे सपोज कि अगर होता आपका यहाँ पर, आपने सी की टर्म में लेते इसको, तो ये हो जाता क्यू सी इज इक्वल टू के सी। जैसे यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ आप देखो, जैसे ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने क्यू सी लिखा, क्यू सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। तो यहाँ ये जो है, जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के इक्वल, यानी क्यू सी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्यू पी आपने लिखा है पार्शियल प्रेशर की टर्म में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पी सी रेज टू पावर सी, पी डी रेज टू पावर डी, पी ए रेज टू पावर ए, पी वी रेज टू पावर बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा किसके इक्वल, इक्विलिब्रियम पर के पी के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू पी जो है वो इक्वल है किसके, के पी के। अब देखिए, इसी को हम शॉर्ट में समझ लें कि ये जो है वो क्या है, कि अगर क्यू जो है वो के इक्वल होगा तो कंडीशन इक्विलिब्रियम होगी, अगर क्यू स्मॉल है के से तो इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर क्यू की वैल्यू के से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यू की वैल्यू जो है वो के से कम है, इक्विलिब्रियम आने के लिए क्यू की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बढ़ने के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। वहीं पर क्यू अगर ग्रेटर है के से तो भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और ये क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर के को लाने के लिए
यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश होने के लिए क्यू की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम या रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया कंसंट्रेशन क्वेश्चेंट, और ये आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे और आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके, और लोगों को फ़ायदा मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर अगली वीडियो में सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।